तारीख 1832। मध्य हिंदुस्तान में ठग लूटपाट मचा रहे हैं। मुगल सल्तनत की कमजोरी का फायदा उठाते हुए ठग्स हर इलाके में आतंक फैला रहे हैं। इन ऐतिहासिक हालातों को नजर में रखते हुए लिखी गई कन्फेशन ऑफ ए ठग फिलिप मिडोस टेलर के 1839 की किताब इंग्लैंड में इतनी मशहूर हुई कि उसे 1873 में दोबारा प्रकाशित किया गया। ये काल्पनिक कहानी पठान अमीर अली की है, जिसके माता पिता को ठगों ने बेरहमी से लूटा और मार डाला। यतीम पठान को बे औलाद ठग इस्माइल ने गोद लिया और ठग गिरी के सारे फॉर्मूले सिखाए, जो कि बड़ा होकर उस इलाके का सबसे खतरनाक ठग बना। इस दिवाली ये ठग आपके ही घर हमला करेंगे, तो सावधान। अमिताभ बच्चन और आमिर खान है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। हालांकि ये फिल्म टेलर की किताब से ही प्रभावित है और दौर भी वही है, बस कहानी कुछ अलग है। शानदार एक्शन सीन्स ज्यादातर जहाजों पर ही फिल्माए गए हैं। असल में उस जमाने के ठगों का रवैया कुछ अलग था। रात में जब वे एक साथ निकलते थे तो अपनी तरफ शक न पैदा करने के लिए कोई हथियार साथ नहीं रखते थे, बस एक सिल्क का रुमाल और सिक्कों के अलावा। जी हाँ, रुमाल जिससे वो गला घोंटते थे और सिक्का जिसे मुंह में डालकर आवाज को खामोश कर देते थे। फिर पैसे जेवरात की चोरी करके शव फूले और सड़े नहीं, इसलिए उनके पेटों को चीर कर बड़े से गड्ढे में दफना देते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई अधिकारी शायद ही ठग का शिकार हुआ होगा, पर भारतीय सिपाही का उनके हाथों मरने की कुछ कहानियां जरूर हैं। लेकिन अंग्रेजों ने जुर्म पर काबू पाने के बहाने अपने राज्य को बढ़ाने का मौका पाया और कर्नल विलियम हेनरी स्लेमन को ये जिम्मेदारी दी। लगता है इन जंगलियों को मुझे ही तहजीब सिखानी होगी। कथाओं की माने तो वे काली भवानी के पुजारी थे, जिसमें शामिल दोनों हिंदू और मुसलमान थे, जो कि इंसानी बलिदान का अभ्यास करते थे। हे माँ, हमें अपना आशीर्वाद दे। फिर संस्कार के अनुसार गुड़ का एक टुकड़ा खाकर मिशन पर निकलते थे। क्योंकि आज तक उनकी काली भवानी मंदिर नहीं मिली, इसलिए कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि ये सभी किताबी और फिल्मी बातें हैं। मिडोस टेलर की बुक और हिंदुस्तान के ठग असलियत और कहानी के बीच खड़ी है। उस समय एक और खतरनाक हत्यारा था बहराम। गिनीस बुक रिकॉर्ड के मुताबिक उसने 931 लोगों की हत्याएं की, जबकि आमिर अली ने 700 की। ठगों के जाल पर लिखी गई जॉन मास्टर द्वारा एक अन्य पुरानी किताब थी द डिसीवर्स, जिसकी 1988 में हॉलीवुड फिल्म बनी, जिसमें जेम्स बॉन्ड वाले पियर्स ब्रोसनन ने अदाकारी की। ठग शब्द खुद ठगों ने अपने आप के लिए रखा था, और ताकि दूसरों को समझ में न आए इसलिए उन्होंने रामसी उपभाषा से इसे बिल्कुल अलग बनाया। 1800 से 1830 के बीच इस भाषा का चलन रहा। ओका किटो किलोरीटा, वो बोल क्या रहा है, ये भाषा तो कभी सुनी नहीं। ये शब्द इतना मशहूर हो गया कि इसे अंग्रेजी शब्दकोश का हिस्सा बना लिया गया। ब्रिटिश इतिहासकारों का कहना है कि कर्नल स्लीमन 1400 ठगों को पकड़ने और सूली पर चढ़ाने में कामयाब रहे। आज जबलपुर से 75 किलोमीटर दूर कर्नल के नाम पर रखा गया एक शहर है स्लिमनाबाद। आपको बता दें कि आईमैक्स फॉर्मेट में ये सिर्फ 5वीं बॉलीवुड फिल्म है। इससे पहले थी धूम 3, बैंग बैंग, बाहुबली 2 और पद्मावत। फिल्म का प्रोडक्शन खर्च का अनुमान 200 करोड़ रुपए लगाया गया है, और मार्केटिंग का खर्च मिला दिया जाए तो पूरे 400 करोड़ इस एक फिल्म पर खर्च होंगे। इससे ये बन जाती है भारत की सबसे महंगी फिल्म। गपशप के अनुसार इस फिल्म के लिए पहली पसंद आमिर नहीं बल्कि ऋतिक रोशन थे। लेकिन देखिए, मैं इस फिल्म के लिए 60 करोड़ लूंगा और काबिल खत्म होने के बाद ही शूटिंग शुरू कर पाऊंगा। अफवाह तो ये भी है कि आमिर ने ठग्स के लिए इतने पैसे लिए, 0। लेकिन प्रोड्यूसर के प्रॉफिट का 70% हिस्सा जरूर लेंगे अक्षय, शाहरुख और सलमान से भी ज्यादा, जो 50% हिस्सा लेते हैं। आमिर की फिल्में चीन में भारत से ज्यादा कमाती हैं, और 60 करोड़ क्या कुछ ज्यादा ही कमाती हैं। तो लीजिए मजे इस दिवाली और देखिए इतिहास के कुछ पन्ने, यानी एक कहानी, मेरा मतलब ऐतिहासिक कहानी, बिस्बो की शायरी। इस दिवाली मचेगा पर्दे पर धमाल, ठग जब हिंदुस्तान के लूटेंगे सब माल। कुछ ऐतिहासिक तथ्य हैं, कल्पना की भी उड़ान, आमिर अमिताभ हैं इस पिक्चर की शान। क्या आपको हमारी कहानी पसंद आई, तो सब्सक्राइब करें बिस्बो चैनल को और साइट के बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। धन्यवाद।